हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग्स। तो वादे के मुताबिक फिर से मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वर्ल्ड व्लॉग्स में। कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं डाला, इसके लिए सॉरी। ओके, तो आज है महालया बंगालीज के, जो दुर्गा पूजा से पहले होती है। ये शायद नॉन बंगालीज जो हैं आप लोग, वो आप सबको शायद पता नहीं है, लेकिन बंगालीज सभी जानते हैं कि आज महालया है। तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ सुबह से। सुबह सुबह ये देखो नहाना भी हो गया, अच्छा मटन भी खाऊंगी। तो चलो, आज की ब्लॉग्स की स्पेशलिटी है, मेरा दुर्गा पूजा में एक नई साड़ी ली है। और मैंने पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया था मेरी साड़ियों की कलेक्शन, साड़ी ये कैसी कैसी साड़ी है मेरे पास, वो सबको दिखाऊंगी। और ये देखो मैंने अपनी नाखून कितना ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो अभी इसमें नेल पेंट लगाऊंगी। थोड़ा सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है, और वही नेल पेंट अभी लगाऊंगी। तो चलो उसको लगाते हैं, मस्त चेरी सा कलर, एक दुर्गा पूजा के लिए नया कलर लिया है मैंने, हमेशा चेरी कलर ही पसंद आता है। और ब्लैक कलर भी मेरा फेवरेट है, वो तो सबको पता ही है। तो चलो अभी वह नेल पेंट लगा के फिर मैं आपको सभी को मेरी साड़ियाँ दिखाती हूँ, साड़ियाँ दिखाती हूँ, बातों में ही एक अलग सा चमक दिखता है ना। तो चलो दिखाती हूँ मैं सबको। और मैं ये ड्रेस में कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये देखो नीचे एक हॉट पैंट और ऊपर एक क्रॉप टॉप पहनी हुई हूँ मैं। तो इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो अभी नेल पेंट लगाती हूँ। नेल पेंट के बाद साड़ी दिखाऊँ या साड़ी से बाद नेल पेंट पहनूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। नेल पेंट पहनने के बाद अगर साड़ी दिखाई तो मतलब साड़ियों की तो हो गई और मेरी नेल पेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो चलो नेल पेंट ही लगा लेती हूँ पहले, कुछ ना सोचते हुए। मैं कितना पसीना पसीना हो रही हूँ, कितनी हॉट है, बहुत ही हॉट वेदर है, मौसम भी हॉट है, और मैं तो पूरी गर्म ही ऊपर से नीचे तक पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ भीग भीग के। पसीने से ही नहा लिया लगता है। तो चलो दिखाती हूँ मैं अपनी सारी साड़ियों की कलेक्शंस, और बहुत ज़्यादा बकबक भी कर रही हूँ शायद, किस किस को पता है मेरे, मतलब किस किस को पसंद है मेरा इस पर बकबक करना। बहुत लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आप जो बातें बोलते हो कितना मीठा लगता है। तो पता नहीं क्या सबको परेशान करती हूँ या क्या करती हूँ, क्या कुछ कहती रहती हूँ। तो चलो बातें ना बढ़ाते हुए, बातें तो होती ही रहेगी, बातें तो मैं करती हूँ, तो बातें ना बढ़ाते हुए चलो सबको साड़ियाँ दिखाती हूँ आप सबको। तो गाइस आ चुकी हूँ मैं अपनी साड़ियों को लेकर। ये देख सकते हो बिस्तर पूरा भर चुका है मेरे साड़ियों से, अलमारी से अभी भी निकाला है, बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास। तो अभी सबको दिखाऊंगी कि कैसी कैसी साड़ियाँ हैं, सब पहन के नहीं दिखा सकती। कुछ ब्लॉग्स में मैंने साड़ी अपनी पहनी है थोड़े थोड़े, तो वो सारे ब्लॉग्स आपको सभी चैनल मतलब सभी ब्लॉग्स देख के आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी साड़ी मैंने इसमें पहन चुकी हूँ। और कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी तक मैंने ब्लॉग्स में नहीं पहनी है, तो उसमें से कुछ मैं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले ये मैंने नेट वाली साड़ी निकाली है। ये नेट वाली साड़ी मैं पिछले ब्लॉग्स में एक ब्लॉग्स में मैंने पहनी है, ये शायद आप सब लोग देखा है, आप सब लोगों ने देखा है, ये मैंने ऑनलाइन से शॉपिंग किया था। ये साड़ी कैसी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, ये जो केला होता है वो हल्का वाला केला का पत्ते का रंग है, ये बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। तो चलो मैं दूसरी साड़ी की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारी साड़ियाँ हैं इसलिए। नेक्स्ट है मेरी ये वाली साड़ी। ये साड़ी का ये नीचे का हिस्सा बहुत ही भारी है। ये साड़ी भी बहुत खूबसूरत है, ये भी मैं एक ब्लॉग्स में पहन चुकी हूँ, आप सब लोग चेक कर लेना।
खूबसूरत साड़ी है, ये मैंने नहीं पहना है कोई भी ब्लॉग्स में भी। ये इसका ऐसे साड़ी आता है पूरा, दो डिजाइन है इसमें। ये देखो ये कलर, मुझे ये कलर भी मुझे बहुत पसंद है। और ये एक नेक्स्ट साड़ी है, ये आरी सिल्क बोलते हैं इसको, पूरा जरदोसी का काम किया हुआ है, पूरा इसमें स्टोन का काम किया हुआ है। कितना खूबसूरत साड़ी है, ये पहन के भी मैं बहुत खूबसूरत लगती हूँ, बहुत खूबसूरत साड़ी है। नेक्स्ट साड़ी है ये बनारसी टाइप की साड़ी है, बनारसी नहीं है लेकिन उस टाइप की साड़ी है। पूरा साड़ी में देखो जरी का काम किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने ये अभी तक किसी भी ब्लॉग्स में नहीं पहना है, नेक्स्ट शायद ब्लॉग्स में ये साड़ी मैं पहन के बताने वाली हूँ कि कैसी लगती हूँ मैं। बहुत खूबसूरत साड़ी है ना, कौन सी साड़ी आप सबको अच्छी लग रही है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कौन सी साड़ी मैं पहनूँ इसमें, तो नेक्स्ट साड़ी मैं वही साड़ी पहन के नेक्स्ट ब्लॉग्स डालूँगी, तो मुझे बताना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ। ये मेरा शादी का साड़ी है, ये मेरे शादी का मतलब बनारसी है ये, इसका मैं दिखाऊंगी पूरा खोल के। ये वाली साड़ी बहुत ही खूबसूरत है, पूरा ऑरेंज कलर का है ये, ये देखो ये मेरी शादी का साड़ी बहुत खूबसूरत है, इसका पलड़ा है ये देखो, बहुत ही प्रिटी है, कलर भी बहुत खूबसूरत से है। तो चलो नेक्स्ट साड़ी दिखाती हूँ। नेक्स्ट साड़ी है ये मतलब रेडीमेड साड़ी है, ये बहुत सी ब्लॉग्स में और शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स में मैंने रील्स में ये पहनी है। ये साड़ी आप सब लोग बहुत बार देख चुके हो, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और खासकर इससे इसलिए पसंद है कि इसमें ब्लैक कलर है पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक है और ब्लू की ऊपर है ये साड़ी, ये रेडीमेड साड़ी। और ये वाली भी मैंने एक रील्स में पहनी थी, ये साड़ी इस बार की दुर्गा पूजा की है, ये पूरी नई साड़ी है, ये मेरी सासू माम ने इस बार मुझे गिफ्ट किया, पूरा रेड कलर का, नई बहू हूँ ना इसलिए नई नवेली दुल्हन को ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए रेड कलर की साड़ी दिया उन्होंने। तो अभी तक मैंने इसमें से पेपर भी नहीं निकाला, दिख रहे हो आप सब लोग पेपर की आवाज़ आ रही है अंदर से, ये पूरी नई साड़ी है, ये अभी तक मैंने पहना भी नहीं, पहनने के बाद शायद अच्छी लगूंगी सभी साड़ियों में बहुत अच्छी लगती हूँ मैं। और ये भी एक साड़ी है, ये नॉर्मल से घर पे पहनने की साड़ी है, ये भी नई है, अभी तक मैंने पहना नहीं है, जस्ट अभी ये देखो इसका स्टिकर भी अभी तक बना हुआ है, स्टिकर भी मैंने नहीं खोला, तो ये भी पहनूंगी दुर्गा पूजा में, किसी ना किसी दिन तो पहन ही लूंगी। दुर्गा पूजा में पूजा है 4 या 6 दिन, लेकिन मेरा साड़ी और कपड़े हो गए उससे ज़्यादा, अब तो अभी दुर्गा पूजा में कुछ पहनूंगी, कुछ काली पूजा में पहन लूँगी थोड़े थोड़े करके। तो भाई सभी मिलके मेरे सारे साड़ियों की कलेक्शन आप सब लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कौन सी साड़ी मैं पहनूँ ये बताना। तो
तो वो साड़ी पहन के मैं ब्लॉग्स डालूंगी। नेक्स्ट ब्लॉग्स भी डाल सकते हो या रील्स भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो कौन सी साड़ी मैं पहन के ज़्यादा अच्छी लगूंगी ये मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना, तो मैं वही साड़ी पहन के नेक्स्ट ब्लॉग्स या नेक्स्ट रील्स बनाऊँगी। तो चलो अभी नेल पेंट पहन की बारी है। तो चलो किस किस का मतलब नेल पेंट या लिपस्टिक ऐसा लड़कियों के पहनना ये सब अच्छा लगता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को पहनाओ या लड़कियाँ तुम खुद पहनो। लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ, लड़कियों को तो अच्छा ही लगती है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लड़कियाँ टॉम्बॉय टाइप की होती है सिर्फ उसको ही अच्छा नहीं लगेगा ये सब नेल पेंट लिपस्टिक वगैरह, नहीं तो जो लड़कियाँ है वो तो नेल पेंट और लिपस्टिक बनने में मतलब कुछ पहने या ना पहने हाथ में ली नेल पेंट और लिपस्टिक ज़रूर रहेगी। मैं कितनी पसीना पसीना हो रही हूँ ये अब सब लोग देखो। तो चलो अभी नेल पेंट पहनती हूँ। बहुत पसंद आया और नेल पेंट पहनना मुझे बहुत पसंद है। मैं खाली आज नेल पेंट पहन ली हूँ, कल तक रखूंगी, परसों निकाल दूंगी फिर से पहनूंगी। मुझे एक नेल पेंट ज्यादा दिनों तक अच्छा नहीं लगता। कैसी लग रही है नाखून, लगता है अभी अभी किसी का मतलब निकाल के उसका हाथ में लेके आई हूँ मैं। ये देखो बड़े बड़े नाखून हो गए मेरे, बड़े बड़े नाखून रखना किस किस लड़कियों को पसंद है ये मुझे कमेंट बॉक्स में सब जरूर बताना। नेल पेंट लगाना। आज माला है इसलिए आसिम के एक घर में मतलब पूजा हो रही है, इसलिए शायद आप लोगों को थोड़ा आवाज आ रही है, गाना बजाना हो रहा है। गाना बजाना मतलब कृष्ण जी की कीर्तन हो रही है, कीर्तन कृष्ण जी की पूजा हो रही है आज। गाइस आप सब लोग ये मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना क्या इस साल पूजा में आप सब लोग किस किस के साथ घूमने वाले हो, जिसका गर्लफ्रेंड है उसके साथ घूमोगे या फिर शादी होगी तो बीवी के साथ घूमोगे या फिर बीवी को छोड़ के वो दूसरे के साथ या मतलब दोस्तों के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी घूम सकते। बस ये ख़राब मत हो जाए, मैं जब भी नेल पेंट पहनती हूँ ना तब किसी ना किसी कामों में मेरा नेल पेंट हमेशा ख़राब हो जाता है। तो गाइस इसको सुखा के फिर मैं सारी साड़ियाँ जो मैंने रखी है बिस्तर पे, ये देखो अभी तक ये साड़ियाँ सारे मुझे मतलब समेट के फिर से रखना है अलमारी में। तो मैं ये सूखने के बाद ही रखूँगी, नहीं तो वो सारे साड़ियों में भी मेरा नेल पेंट लग जाएगा और मेरे नाखून भी पूरा मतलब नेल पेंट घट के ख़राब हो जाएगा। तो बहुत देर तक आप सबसे बातें की, मेरी बातें आप सब लोगों को बोरिंग कर रहा है क्या या आप सब लोग मज़े ले रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो जो न्यू हो मेरे चैनल में। और एक बात जो बहुत खुशी की बात है
कि मेरे चैनल में जो है मोनेटाइज मैंने करने को दिया था, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, वो रिजेक्टेड हो गई। मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ आप सब लोगों के लिए, आप सबके एंटरटेन कर रही हूँ। तो सोचो आप सब लोग थोड़े से सपोर्ट करो, ताकि मैं अगर फिर से डालूँगी मोनेटाइज को तो वो मोनेटाइज हो जाए। मैं ट्राई किया था बट मेरा मोनेटाइज रिजेक्टेड हो गई। इसमें हंसू या मैं रोऊं, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो रहा है। चलो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए वेट करो मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स का। और सारे साड़ियों में से आप सब लोगों को कौन सी साड़ी पसंद आई, किस किस को किस कौन सी साड़ी पसंद आई, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो सारे साड़ियाँ एक बार करके सारे साड़ियाँ पहन के मैं व्लॉग्स में डालूँगी, वो वीडियो भी वो व्लॉग्स में मैं बनाऊँगी। बहुत सारे साड़ियाँ हैं मेरे पास, 10 से 12 है काफ़ी। तो चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय।